नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन और उसका प्रभाव बिहार में किस प्रकार से पड़ा उसके बारे में। लेकिन उससे पहले, होम रूल आंदोलन एक अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राजनीतिज्ञ संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनेंस स्टेटस का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलैंड डोमिनेंस के रूप में स्थापित थे। इसके साथ ही साथ 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत होती है और पूरे देश भर में इसकी शुरुआत होती है। और इसका एक और एकमात्र उद्देश्य यह था संवैधानिक उपायों द्वारा स्वराज प्राप्त करना। साथ ही साथ 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। इसके साथ ही साथ 31 सितंबर 1916 में महाराष्ट्र में एनी बेसेंट द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना होती है। इसके बाद 16 दिसंबर 1916 में पटना के बाकेपुर में एक सभा का आयोजन किया जाता है और बिहार के रीजनल होम रूल लीग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे, उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन व राय बहादुर पुरेंदु, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं याद रखिएगा, जिसके सचिव थे वैद्यनाथ नारायण सिंह एवं चंद्रवंशी सहाय। अगर हम इसके सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों के रूप में राजेंद्र प्रसाद, हरि नारायण प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, शंभू नारायण, नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, एस ए शमी, परमेश्वर लाल आदि सम्मिलित थे। साथ ही साथ आपको बताते चले, 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट पटना आती है और यहां से आंदोलन अति तीव्र हो जाता है और इस प्रकार से बिहार में होम रूल आंदोलन अपने पैर को पसारता है। तो ऐसे फैक्ट से जुड़े रहने के लिए बीपीएससी उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।